जलजले की याद में दोपहर को उस्ताद और बच्चे हाल में खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए बाबू मजदूरों की तरफ बार बार देख रहा था। फिर वो उस लड़के के पास गया और पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? लड़का खामोश काम करता रहा। कुछ तो कहो भाई, इतनी छोटी उम्र में मजदूरी? समीर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगा। क्या कहूँ भाई, मेरी हालत ही कुछ और है। मैं लातूर का रहने वाला हूँ, माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी स्कूल में पढ़ता था। अब्बू हमेशा कहा करते थे, पढ़ाई में ध्यान रखो, बड़े आदमी बन जाओगे। मेरे अब्बू बड़े अफसर थे। फिर क्या हुआ समीर? बाबू ने पूछा। क्या कहूँ भाई, ये मेरी तकदीर है। समीर की आंखें भर आई। सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबू ने तसल्ली दी। एक रात की बात है, मैं गहरी नींद में था। डरावनी आवाज ने मुझे जगाया। क्या देखता हूँ, घर की जगह पत्थरों का ढेर है। मेरी प्यारी माँ गिरी हुई दीवार के नीचे बेहोश पड़ी है और अब्बू जख्मी होकर तड़प रहे हैं। खुदा जाने मैं कैसे बच गया। जब होश में आया तो मैं अस्पताल में था। बाद में मालूम हुआ कि रात को बड़ा जलजला आया था। हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए, मेरी अम्मी और अबू भी। फिर क्या हुआ समीर, तुम यहाँ कैसे? एक महीने के बाद अस्पताल से निकला। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते आखिर एक गांव में पहुंचा। भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठा।